मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 1 जुलाई 2021 के सकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, बैगर से प्रिंस बनने का आधार पवित्रता है। पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया की राजाई मिलती है। बाबा ने कहा कि मीठे बच्चे, बैगर से प्रिंस बनने का आधार पवित्रता है। पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया की राजाई मिलती है। और बाबा ने आज हमसे प्रश्न पूछा है कि इस पाठशाला का कौन सा पाठ तुम्हें मनुष्य से देवता बना देता है। और उत्तर में बाबा समझा रहे हैं कि तुम इस पाठशाला में रोज यही पाठ पढ़ते हो कि हम शरीर नहीं आत्मा है। आत्म अभिमानी बनने से ही तुम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बन जाते हो। इस समय सब मनुष्य मात्र पुजारी अर्थात पतित देह अभिमानी हैं, इसलिए पतित पावन बाप को पुकारते रहते हैं। और आज मुरली का गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि यह ओम शांति किसने कहा? कौन से बच्चे? आत्माएं जानती हैं कि ओम शांति किसकी आत्मा ने कहा? जानते हैं ना हम किसने कहा? परमपिता परमात्मा ने कहा। बच्चे जानते हैं कि मनुष्य की आत्मा ने नहीं कहा, यह परमपिता परमात्मा शिव ने कहा है। वह सभी का बाप ऊंचे से ऊंचा है। अब गीत में सुना, भारत पर बहुत माया का परछाया पड़ा हुआ है, बहुत पतित बन गए हैं, इसलिए पुकारते हैं कि हे पतित पावन, फिर से आओ पावन बनाने। आत्मा ही बुलाती है अपने बाप को, जिसको भगवान कहते हैं, कहते हैं वही पतित पावन है। एक की ही महिमा होती है, वह है सभी आत्माओं का बेहद का बाप। यहाँ सब पतित बन गए हैं तब पुकारते हैं, क्या बुलाते हैं कि हे परमपिता परमात्मा। वही ज्ञान का सागर भी है, पतित पावन भी है। वह पिता भी है तो शिक्षक भी है, क्योंकि ज्ञान सागर भी है, वर्ड अथॉरिटी भी है। सभी वेदों शास्त्रों ग्रंथों को जानने वाला भी है, उनको कहते ही हैं नॉलेजफुल। तो इस समय सब पारलौकिक बाप को पुकारते हैं, क्योंकि सभी दुखी हैं, कहते हैं गॉडफादर। उनका नाम भी चाहिए ना, उनका नाम गाया हुआ है शिव बाबा। वही ऊंच से ऊंच ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर है। यह मनुष्य की आत्मा अपने बाप की महिमा करती है। ऊंच से ऊंच आत्मा किसकी है? परमपिता परमात्मा की। वह है परम पतित, मनुष्य उनको याद करते हैं। बाबा है परम और पतित, मनुष्य उनको याद करते हैं। सत्युग में जब पावन भारत था, देवी देवताओं का राज्य था, तो कोई पतित नहीं था। यह है ही तमो प्रधान दुनिया, अर्थात दुनिया में जो मनुष्य रहते हैं सब पाप आत्माएं हैं। यही भारत पावन था और यही भारत पतित हो गया है। यहाँ कलयुग में सब पतित हैं। बाबा कहते हैं कि तुम जानते हो कि ज्ञान का सागर, पतित पावन, परमपिता परमात्मा परम धाम से आकर हमको ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं, तो जरूर उनको शरीर तो चाहिए ना। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। ज्ञान का सागर जो अथॉरिटी है, वही सब कुछ जानते हैं। भारत में चित्र भी दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, उनको हाथ में शास्त्र देते हैं। अभी विष्णु कोई सब शास्त्रों का सार नहीं सुनाते हैं। परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर ब्रह्मा द्वारा सब शास्त्रों का सार समझाते हैं।
ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता है। ब्रह्मा को व विष्णु को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे, शंकर की तो बात ही छोड़ दो। बाबा कहते कि अभी ज्ञान का सागर कौन? पूछ रहे हैं कि कौन है ज्ञान का सागर? निराकार ऊंचते ऊंच परमात्मा ही पतित पावन है। यह महिमा है उस परम पिता परमात्मा की। क्या कि वो पतित पावन है? यहाँ भी आत्मा की ही महिमा होती है। आत्मा ही शरीर द्वारा कहती है कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं बैरिस्टर हूँ, मैं फलाना मिनिस्टर हूँ। बाबा कहते आत्मा ही मर्तबा लेती है। शरीर द्वारा आत्मा कहती है कि मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ। इस समय जब बाप आते हैं, कहते हैं बच्चे आत्म अभिमानी बनो, मैं तुम्हारा बाप आया हूँ, तुमको यही पाठ पढ़ाने, यह पाठशाला है मनुष्य से देवता, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की। बाप को सभी आत्माएं बुलाती हैं। क्या बुलाती हैं? कि हे परमपिता परमात्मा, हे परमपिता परमात्मा कहकर बुलाती हैं सभी आत्माएं। अब निराकारी दुनिया से साकारी दुनिया में आओ, रूप बदलो, क्योंकि बुलाती है ना साकारी दुनिया में, तो बाबा को तो फिर रूप बदल कर ही आना पड़ेगा। तुम निराकारी आत्माएं तो जब शरीर में आती हो तो गर्भ में आती हो, पुनर्जन्म लेती हो। बाप समझाते हैं कि तुमने 84 जन्म गर्भ से लिए हैं, एक शरीर छोड़ फिर गर्भ में जाते हो, ऐसे 84 जन्म लेते हो। बाबा कहते मैं तो गर्भ में नहीं आता हूँ। भारतवासी असल में देवी देवता धर्म के थे, फिर सीढ़ी नीचे उतरते आए, क्षत्रिय वर्ण में, फिर वैश्य, शूद्र वर्ण में कलाएं कम होती जाती हैं। भारत 16 कला संपूर्ण था, फिर 14 कला बना। भारतवासी अपने जन्मों को नहीं जानते, 84 जन्म भारतवासी ही लेते हैं, और कोई धर्म वाले 84 जन्म नहीं लेते। बाबा कहते तुम स्वदर्शन चक्रधारी बने हो, यह ज्ञान की बात है। सुदर्शन चक्रधारी बनने से तुम चक्रवर्ती महाराजा बनते हो स्वर्ग का। तुम अच्छी रीति जानते हो हम यहाँ आए हैं पतित से पावन बनने। यह है ही पतित दुनिया। पतित पावन सर्व का सदगति दाता तो एक ही बाप है, सब उनको ही पुकारते हैं। बाप को याद करते हैं, कृष्ण को नहीं। कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई। बाप कहते कृष्ण को याद नहीं करते, सब बाप को ही याद करते हैं, क्योंकि गीता कृष्ण ने नहीं सुनाई है, गीता शिव बाबा ने सुनाई है और मुख कृष्ण का यूज किया है। बाबा कहते हैं कि गीता है सर्व शास्त्र में शिरोमणि। भारत की गीता किस धर्म का शास्त्र है? जैसे हर धर्म का शास्त्र बना हुआ है, तो बाबा कहते हैं जो गीता है वो किस धर्म का शास्त्र है? और बाबा समझा रहे हैं कि आदि सनातन देवी देवता धर्म का। किसने गीता गाई? फिर बाबा कहते रायो किसने सिखाया? परमपिता परमात्मा पतित पावन बाप ने सिखाया। तो तुम्हारी आत्मा जो निराकार थी, उसने अभी यह साकार शरीर धारण किया है। साकार मनुष्य को कभी भगवान नहीं कहेंगे। बाबा कहते भल सत्युग में लक्ष्मी नारायण हैं, तो भी भगवान नहीं कहेंगे। यह तो करके उपाधि दी जाती है। कायदे अनुसार भगवान एक है, क्रिएटर इज वन, बाकी वह है देवताएं। 5000 वर्ष की बात है। बाबा कहते इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, इनको महाराजा महारानी कहा जाता था। भगवान महाराजा नहीं बनते हैं, वह तो बाप ही है जो आकर भारतवासियों को ऐसा देवी देवता बनाते हैं। अभी तो देवी देवता धर्म का कोई है नहीं। इनको कहा जाता है रावण संप्रदाय, क्योंकि रावण राज्य है। रावण को वर्ष वर्ष जलाते रहते हैं, क्योंकि यह पुराना दुश्मन है। परंतु इनको भारतवासी जानते नहीं, शास्त्रों में भी वर्णन नहीं है कि रावण कौन है। बाबा कहते हैं रावण को 10 शीश क्यों दिखाए हैं? इन बातों को अच्छी रीति समझना है। मनुष्य तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि है, पारस बुद्धि इन लक्ष्मी नारायण को कहेंगे।
पारसनाथ पारसनाथनी का राज्य था, यथा राजा रानी तथा प्रजा। भारत जैसा सुख धाम और कोई खंड होता नहीं। जब भारत में स्वर्ग था तो कोई बीमारी दुख रोग नहीं था, संपूर्ण सुख था। गाया जाता है कि ईश्वर की महिमा अपरम अपार है, वैसे भारत की भी महिमा अपरम अपार है। सारा मदार पवित्रता पर है, पुकारते भी ऐसे हैं कि सब पतित हैं, पीस नहीं प्रॉस्पेरिटी भी नहीं। बाबा कहते अभी तुमने समझा है कि हम भारतवासी सूर्यवंशी देवी देवता थे, फिर धीरे धीरे पतित बने हैं। इनको कहा जाता है मृत्युलोक, इसको आग लगनी है। यह है शिव ज्ञान यज्ञ, रुद्र ज्ञान यज्ञ भी कहते हैं। मनुष्य नाम तो बहुत रख देते हैं, जहां भी शिव की मूर्ति देखते हैं तो अनेक भिन्न भिन्न नाम रख देते हैं, एक के ही अनेक नाम से मंदिर बनाते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं, ज्ञान भक्ति वैराग्य, अभी भक्ति पूरी होती है, तुमको भक्ति से वैराग्य आता है, अर्थात इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है, यह पुरानी दुनिया विनाश होनी है। अब बच्चे पूछते हैं कि बाबा हम पतित से पावन कैसे बने, कोई नहीं आते हैं तो अलाउ नहीं किया जाता। बाबा कहते जैसे कॉलेज में कोई नया जाकर बैठे तो कुछ भी समझ ना सके और किसी को पता ही नहीं है कि मनुष्य से देवता कैसे बन रहे हैं। बाबा कहते मनुष्य जो पतित हैं वही पावन बनते हैं। इस समय भारत भी बैगर है, सत्यु में भारत प्रिंस था, श्री कृष्ण सत्यु का पहला नंबर प्रिंस था, उसमें सब गुण हैं। राज्य लक्ष्मी नारायण का कहेंगे, कृष्ण तो प्रिंस था, राधे प्रिंसेस थी। बाबा कहते कृष्ण प्रिंस की ही महिमा गाई जाती है कि सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। बाबा कहते उसने कोई गीता नहीं सुनाई, वह तो सत्यु का प्रिंस था, वह पतित मनुष्य को पावन बनाने के लिए गीता पाठ सुनाए, यह हो ही नहीं सकता। बाबा कहते यह सब शास्त्र हैं भक्ति मार्ग के, कितनी शास्त्रों की महिमा है। सत्युग में कोई शास्त्र चित्र आदि भक्ति मार्ग के होते ही नहीं, वहां तो ज्ञान की प्रारब्ध होती है 21 जन्मों के लिए। अब बाबा ने कहा कि फिर से सत्युग का राज्य भाग्य ले रहे हैं भारतवासी। सत्युग में 5000 वर्ष पहले विश्व के मालिक थे और कोई भी पार्टीशन आदि नहीं था। 5000 वर्ष की बात है, बाबा कहते अभी कलयुग का अंत है ना, विनाश सामने खड़ा है। भगवान ने यह ज्ञान यज्ञ रचा है पतित कलयुगी को पावन सत्युग बनाने, तो जरूर पतित दुनिया का विनाश होगा। बाबा कहते कि गाया भी हुआ है कि ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना, सो अब शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा करा रहे हैं, तुम अभी मनुष्य से देवता बन रहे हो। गाते भी हैं कि परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। बाबा कहते वह तो हुआ प्रजापिता, उनकी सब औलाद हैं, बरोबर ब्रह्मा द्वारा ही स्वर्ग की स्थापना थी। आज से 5000 वर्ष पहले भी मैं संगम पर आया था तुमको यह रायोग सिखाने। बाबा कहते कि मैं 5000 साल पहले भी आया था, कृष्ण नहीं मैं आया था। कृष्ण पतित तो दुनिया में आ नहीं सकता, बाप ही आते हैं, वही सर्व का सदगति दाता है। कृष्ण क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि कृष्ण तो सत्यु का प्रिंस है, तो कलयुग में कैसे आ जाएगा, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो बाबा कहते मनुष्य मनुष्य को सदगति नहीं दे सकते, याद भी सभी एक को करते हैं, परमपिता परमात्मा कहाँ रहते हैं। बाबा कहते फिर पूछते हैं वो कहाँ रहते हैं, तुम बच्चे जानते हो कि परम धाम में रहते हैं, वह है ब्रह्म महतत्व, वहां आत्माएं पवित्र जैसे महाआत्माएं हैं। यहां भी महान आत्मा पतित आत्मा कहते हैं ना, वास्तव में यहां महान आत्मा एक भी नहीं है। बाबा कहते आत्मा को ही पतित सतो प्रधान बनना है, ज्ञान और योग से, ना कि पानी से, गंगा में स्नान करके पानी से नहीं बनना। बाबा कहते आत्मा ही पतित बनी है, आत्मा में ही खाद पड़ती है।
आत्मा ही गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन बनती है। अभी आत्माएं जो पतित हैं, उनको पावन कौन बनाए? सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई बना न सके। बाप ही बैठ समझाते हैं कि माँ में कम याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना पतित से पावन बनेंगे। मेहनत इसमें है, ज्ञान तो सारा बुद्धि में है। यह चक्र कैसे फिरता है? हम 84 जन्म कैसे लेते हैं? सत्युग में कितना समय राज्य चलता है? फिर रावण कैसे आता है? रावण है कौन? यह भी किसी को पता नहीं है। बाबा कहते कुछ भी नहीं पता किसी को। कब से रावण को जलाते आते हैं यह भी किसी को पता नहीं। हर वर्ष जलाते हैं। बाबा कहते सत्युग में तो नहीं जलाएंगे, अभी है ही रावण राज्य। राम राज्य तो कोई स्थापन कर ही नहीं सकता, यह तो बाप का ही काम है। पतित मनुष्य तो कर नहीं सकते, वह तो सब विनाश हो जाएंगे। पतित दुनिया ही विनाश होनी है। सत्युग में एक भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हे पतित पावन आओ, वह तो पावन दुनिया है ना। तुम अभी जानते हो कि इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा स्वर्ग का मालिक किसने बनाया? फिर इन्होंने 84 जन्म कैसे लिए? आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों ने ही 84 जन्म लिए हैं। वही इस समय शूद्र वंशी बने हैं, अब फिर ब्रह्मा वंशी बनते हो। अभी तुम हो ब्राह्मण चोटी, यह है ऊंच ते ऊंच चोटी। ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुल भूषण। अभी तुम शिव बाबा के बच्चे भी हो, पोत्रे पोत्रियां भी हो। शिव वंशी फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। वर्षा मिलता है दादे से। पाप कहते हैं मुझे निरंतर याद करो, पावन बनो, तो तुम मेरे पास मुक्ति धाम में आ जाएंगे। इन बातों को वही समझेंगे जिन्होंने कल्प पहले समझा है। बाबा कहते वह तो हजारों हैं। कोई पूछते हैं कितने बीके हैं, तो बोलो हजारों के अंदाज में है। इस दैवी झाड़ की वृद्धि होती जाती है। अब फिर से सैपलिंग लग रहा है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का, क्योंकि देवता धर्म है ही नहीं, सब अपने को हिंदू कहलाते रहते हैं और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। फिर अब सब निकल आएंगे, आकर बाप से वर्षा लेंगे। तुम आए हो बेहद के बाप से, बेहद के सुख का वर्षा पाने, अर्थात मनुष्य से देवता बनने। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलर दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है कि पतित से पावन बनने के लिए ज्ञान और योग में मजबूत होना है। आत्मा में जो खाद पड़ी है उसे याद की मेहनत से निकालना है। और सेकंड पॉइंट है कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण चोटी हैं, इस नशे में रहना है। ब्राह्मण ही वर्षे के अधिकारी हैं, क्योंकि शिव बाबा के पोत्रे हैं। और बाबा ने आज हमें वरदान दिया है कि अपने अनादि आदि रियल रूप को रियलाइज करने वाले संपूर्ण पवित्र भव। अपने अनादि आदि रियल रूप को रियलाइज करने वाले संपूर्ण पवित्र भव। आत्मा के अनादि और आदि दोनों का ओरिजिनल स्वरूप पवित्र है। बाबा कहते आत्मा का अनादि और आदि दोनों काल का ओरिजिनल स्वरूप पवित्र है। अपवित्रता आर्टिफिशियल शूद्रों की देन है। शूद्रों की चीज ब्राह्मण यूज नहीं कर सकते। इसलिए सिर्फ यही संकल्प करो कि अनादि आदि रियल रूप में मैं पवित्र आत्मा हूँ। किसी को भी देखो तो उसके रियल रूप को देखो। रियल को रियलाइज करो तो संपूर्ण पवित्र बन
फर्स्ट क्लास व एयर कंडीशन की टिकट के अधिकारी बन जाएंगे। और स्लोगन है, परमात्मा दुआओं से अपनी झोली भरपूर करो तो माया समीप नहीं आ सकती। परमात्मा दुआओं से अपनी झोली भरपूर करो तो माया समीप नहीं आ सकती। ओम शांति।